હા, શું તકલીફ હતી તમને? મને તો બહુ હાથની તકલીફ હતી. બરાબર. હવે હાથમાં આમ ખેરો હાથ થઈ જતો હતો, ઉપડતો નહોતો હાથ એટલો. બરાબર. હોય તે તમારા કણે આવી એટલે એટલું થોડુંક સારું થયું છે. એટલે થાઇરોઈડ ને તકલીફ હતી ને તમને? હા, મને થાઇરોઈડ ની તકલીફ. થાઇરોઈડ ની તકલીફ કેટલા વર્ષથી હતી? એટલે ઘણા વર્ષ, 5-6 વર્ષ થઈ ગયા થાઇરોઈડ ની. હા, અચ્છા, 6 વર્ષ જૂની થાઇરોઈડ ની તકલીફ હતી. હા, બીજો આ હાથમાં તમારો હાથ બિલકુલ સૂનો હતો ને તમારો? હા, બહુ સૂનો હતો. એટલે આયા ત્યારે તમારો હાથ હચોડો કામ નથી કરતો? નતો કરતો. હા. દોસ્તો, યે હેમુબેન યે બોલ રહે હૈ કે ઇનકો એક થાઇરોઈડ કી તકલીફ થી 7 સાલ સે, ઓર ઇનકા જો યે હાથ હૈ, યે હાથ હમારે પાસ મે જબ આયે થે તબ યે હાથ કામ નહીં કરતા થા, બિલકુલ સુના થા, ઓર ડોક્ટર ને ઇનકો ઓપરેશન કરને કા બોલા થા, જિસકા ઇનકો તારીખ ભી દે દિયા થા. હેમુબેન, સહી બાત હૈ ને? સહી બાત હૈ. યે ઇનકે બેઠે બેઠે હૈ સામને. ક્યા નામ હૈ આપકા? પ્રકાશ. પ્રકાશ, યે પ્રકાશ બેઠે હૈ, યે ભી અપની મમ્મી કો સમય સમય પર હમારે યહાં પર દવાઈ લેને કે લિયે आते रहे. और ये हेमू बहन खुद बोल रहे हैं कि इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, इनको तारीख भी दे दी थी. तुम्हारे क्या ऑपरेशन थवानो तो? हां, मानस कापवानी होती यहां हाथ में. अच्छा, हाथ में ऑपरेशन थवाने तैयारी होती. देखो दोस्तों, आज से कितने महीने पहले ऑपरेशन का बोला था? कितना महीने पहले? 4 महीने पहले. आज से 4 महीने पहले इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था. ये जो हाथ है इनका बहन का, ये हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था, सूना हो गया था. इनका खून का सर्कुलेशन जो है वो नहीं होता था. ऐसी सब तकलीफें थी और थायराइड के मरीज है ये. थे अभी तो नहीं है, अभी तो अभी चेक करवाने गए तो आपको कैसा आया रिपोर्ट आपका? नॉर्मल सर. बिल्कुल नॉर्मल. हाँ. थायराइड से नॉर्मल. और ये हाथ की तकलीफ थी इसमें भी? नॉर्मल. नॉर्मल. और आपका शरीर जो दर्द हो रहा था इसमें भी? नॉर्मल. नॉर्मल, यानी सारी प्रॉब्लम से आप नॉर्मल हो चुके हैं. हाँ. ये मालिक की मेहरबानी है, ईश्वर का करम है दोस्तों, कि खुदा के फजल से ये हमारे बहन जो है इन्होंने सही से दवाई खाया और इनको जबरदस्त रिजल्ट मिला है. जिलानी आयुर्वेदिक एंड निजामा कपिंग थेरापी सेंटर में 4 महीने में ये बहन ऑपरेशन से बच गए. थायराइड नॉर्मल हो चुका है और पूरे शरीर में पहले बहुत दर्द होता था. हाँ. और कितने किलो वजन घटा आपका? 10. 10 किलो वजन घटा. वजन घटाने की मैंने आपको अलग से कोई दवाई भी नहीं दी? नहीं दिया था कोई दवाई. वजन घटाने के लोग कितने उपाय करते हैं फिर भी वजन नहीं घटता है ना, हमने इनको वजन घटाने की दवाई दी, इनका 10 किलो वजन भी घट गया. थायराइड नॉर्मल हो चुका है और जो डॉक्टर ने नस के लिए ऑपरेशन के लिए बोला था, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम थी, ये भी अभी बिल्कुल 4 महीने में नॉर्मल हो चुका है. तो दोस्तों, ये हम तो ये दुआ करते हैं कि जिलानी आयुर्वेदिक एंड हिजामा कटिंग थेरापी सेंटर में आज तक ऐसे हेमू बहन जैसे हज़ारों लोग हमारे यहाँ से अलग अलग रोग वाले जो ठीक हुए हैं, हम तो यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर रोगी ठीक होकर जाएं और उनके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट होनी चाहिए. यानी जब आते हैं तो परेशान हाल आते हैं, मगर जिलानी आयुर्वेदिक से इलाज उनका होता है तो हमारी बहन हेमू बहन की तरह वो मुस्कुराते हुए खुश होकर जाते हैं. और हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी, हम पूरी